आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी गलियारों में कद काफी अहम माना जाता है। बीजेपी 2017 से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गजब का प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी के अंदर खाने हलचल तेज कर दी है। बीजेपी के इस सियासी दुर्ग को भाजपा के छतर नहीं बचा पाए। रालोद ने जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलितों के साथ जातीय समीकरण साध भाजपा से यह सीट छीन। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उपचुनाव के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी को निराशा का सामना करना पड़ा है। मैनपुरी संसदीय सीट से डिंपल यादव ने भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य को करीब 3.5 लाख से अधिक वोटों से पराजित किया। वहीं खतौली उपचुनाव में रालोद सपा गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया ने भाजपा उम्मीदवार राजकुमारी को 22,000 से अधिक वोटों से पराजित किया। 7 महीने पहले पश्चिम यूपी से प्रचंड जीत के साथ सत्ता में आने वाली भाजपा के लिए खतौली से संदेश आ चुका है। संदेश ये कि अगर चूक हुई तो हार का सामना करना पड़ेगा। खतौली में हुए उपचुनाव बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी और नए संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के लिए एक इम्तिहान था, लेकिन वो अपने इस इम्तिहान में खरे नहीं उतर पाए। खास तौर पर दोनों नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, ऐसे में यहाँ से हारना भाजपा के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेन चौधरी, उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति खराब हो गई। हम आपको बता दें कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी इतने सालों में, उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 136 सीटों पर 110 सीटों पर भाजपा ने विजय हासिल की थी। बाद में किसान आंदोलन, जाटों का संघर्ष आदि तमाम तरह की दिक्कतों को दूर करते हुए जब 2022 में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके हिस्से में कुल 93 सीटें आई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल इस उपचुनाव में धराशायी हो गया? पूर्वांचल की तरह पश्चिम यूपी में भी जातियों के इर्द गिर्द यहाँ चुनावी ताने बाने बुने जाते हैं। जाट, मुस्लिम और दलितों का जाटा वोटर भले ही यहाँ अहम भूमिका में हो, लेकिन सैनिक, कश्यप, ठाकुर, त्यागी, ब्राह्मण, गुर्जर और वाल्मीकि जातियाँ भी काफी अहम हैं, जो पश्चिम यूपी की सीक्रेट किंगमेकर मानी जाती हैं। पश्चिम यूपी का राजनीतिक समीकरण। पश्चिम यूपी में जाटों की संख्या 17% है। पश्चिम यूपी में मुस्लिम 32% है। पश्चिम यूपी में दलित 26% है, जिनमें से 80% जाटों शामिल हैं। इन तीनों प्रमुख जातियों के इर्द गिर्द पश्चिमी यूपी के सियासी माहौल को देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ तमाम ऐसी जातियाँ हैं जो भले ही अपने दम पर जीतने की ताकत नहीं रखती, लेकिन किंग मेकर का काम करती हैं। इन्हीं राजनीतिक समीकरणों को साधकर रालोद ने खतौली विधानसभा सीट पर अपनी जीत निश्चित की है। भाजपा के दो नए सिपहसालार यानी भूपेंद्र और धर्मपाल सिंह भी भाजपा को यहां जीत का स्वाद चखाने में नाकामयाब रहे। आखिर जयंत चौधरी के ही ऐसी कौन सी चाल थी जिससे बीजेपी अपने अभेद दुर्ग को बचा नहीं पाई? चुनावी नतीजे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में चौधरी जयंत सिंह का कद बढ़ा है।
और उनके सटीक चुनावी प्रबंधन व जुझारूपन ने जीत का बड़ा अंतर तय किया। चौधरी जयंत ने इस चुनाव में 50 से अधिक गांवों का दौरा किया। जयंत ने यहां एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस सीट पर अपनी जीत की मुहर लगा दी। जयंत चौधरी ने लगाया एड़ी चोटी का दम, 50 से अधिक गांव का किया दौरा, घर घर जाकर बांटी मतदाता पर्ची, सटीक चुनावी प्रबंधन और उनका जुझारूपन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 93 सीटें जीती थी, जिसमें से एक सीट खतौली विधानसभा की भी थी। यहां से भाजपा के विधायक विक्रम सैनी चुने गए थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उनकी विधायकी रद्द हो गई और इस सीट पे उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में सपा गठबंधन के सपा और रालोद गठबंधन के मदन भैया मैदान में थे। दूसरी तरफ विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। इस उपचुनाव को लेकर रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, जिसका लाभ उन्हें इस उपचुनाव में देखने को मिला। जयंत चौधरी को उपचुनाव में गुर्जरों और परंपरागत जाट मतदाताओं के साथ मुस्लिमों का साथ उन्हें मिला। आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर को साथ लाकर दलित मतदाताओं को भी साधा। रालोद के साथ सपा और आसपा के पदाधिकारियों की टीमों को गांवों में उतारकर चुनावी प्रबंधन की कमान अपने हाथ में रखी। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा करने आए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य ने भी सभा की। उसके बावजूद भी भाजपा को यहां हार का स्वाद चखना पड़ गया। तमाम वजहों के चलते बीजेपी को इस सीट को गंवाना पड़ा। संघ और संगठन की रणनीति पर रालोद का बेहतर चुनाव प्रबंधन भारी पड़ा। विक्रम सैनी के बिगड़े बोल और बयानों, खासकर चौधरी अजीत सिंह को लेकर दिए बयानों ने भी भाजपा का गणित बिगाड़ दिया, जिसके चलते 22,000 से अधिक मतों से रालोद प्रत्याशी ने अपनी जीत अर्जित की। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।